नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक में आज आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर योगेश जैन जन स्वास्थ्य सहयोग से और बप्पा सिन्हा फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट ऑफ इंडिया से। आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं भारत सरकार के इस दावे पर कि लॉकडाउन के कारण करीबन 14 से 29 लाख इन्फेक्शन फैलने से बचे हैं और 70,000 के आसपास जाने भी बच गई हैं। और सरकार का कहना है कि ये फिगर्स मॉडलिंग प्रोजेक्शन से है जो कि इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने करी है। तो डॉक्टर योगेश, पहले अगर आप हमें बता सकते हैं कि आपको इस दावे के बारे में क्या लगता है, खासकर अगर हम अभी की स्थिति देखें जब करीबन रोज ही हम 6 से 7 हज़ार नए केसेस देख रहे हैं और रोज ही हमें ये बिगेस्ट सिंगल डे जंप्स देखने को मिल रहे हैं, तो अभी की स्थिति अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि क्या लॉकडाउन से ये जाने बची है? तो अगर हम अभी के समय देखें तो तकरीबन 12 से 13 दिन में हमारे जो केसेस हैं वो डबल हो रहे हैं, जो हमारे जो डायग्नोसिस बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा हम जो कितने और लोग हैं जिनका डायग्नोसिस नहीं हो रहा, उनके बारे में तो हम कुछ हमको पता ही नहीं है। इसके अलावा मृत्यु की संख्या भी 2 गुना हुई है, और कुछ विशेष राज्यों में तो ये समस्या हर 5 दिन में या पिछले 6 दिन में ही 2 गुनी से ऊपर हुई है। तो ये कहना किसी भी रूप से कि बीमारी आ, आ, स्थिर है या कम हो रही है, ये तो कह ही नहीं सकते। और यदि हम जो सरकार के द्वारा पेश करे गए आंकड़ों को देखें और मॉडलिंग के अनुमानों को देखें, इसके आधार पे उन्होंने ये क्लेम कर रहे हैं कि बीमारी लॉकडाउन की वजह से हम उसमें अंकुश लगा पाए। अंकुश ही नहीं, उन्होंने तो बोला कि हमने जाने बचाई हैं और ये बीमारी होने से बचाई है। तो ये तो कहना सबसे पहले बिल्कुल ही बेबुनियाद है कि बीमारी हमने उसमें रोकथाम कर ली या बचा ली, क्योंकि अभी तो बीमारी का ये इस महामारी का कोई आगाज अभी तो आगाज ही हुआ है। आगे तो हमको पता भी नहीं कि कितने लोगों को बीमारी होगी। हम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते थे कि ये जो मृत्यु है या बीमारी है, इसमें हमने इनको कुछ समय के लिए रोक पाए हैं, आगे वो समय बताएगा। लेकिन जो मुझे सबसे बड़ी परेशानी इन आंकड़ों पे और इन अनुमानों पे लगती है वो ये कि इन्होंने ये तुलना करी है जिस किस्म का लॉकडाउन इन्होंने किया है उससे कुछ ना करने की स्थिति से। क्या हम ये मान के चलते कि अगर हम लॉकडाउन ना करते, जिस रूप से भारत सरकार ने लॉकडाउन किया है, तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते और कुछ ना करते? ऐसी स्थिति के अलावा की जगह हमको इस भीषण लॉकडाउन से की तुलना करनी चाहिए थी, जैसे रीजनल लॉकडाउन या और किस्म के तरीके रोकथाम के, उनसे तुलना करके हमको कह पाते कि इस लॉकडाउन का क्या लाभ हुआ है या नहीं हुआ है, तो सब ये बात शायद ज्यादा जायज होती। और इस समय में जो लॉकडाउन में जो कि जो ये मॉडलिंग इन्होंने करी है, इसके बारे में तो मैं कुछ अभी कहना भी नहीं चाहूंगा। तो पापा, आप बता सकते हैं आपको क्या लगता है इस बारे में, और ये जो मॉडलिंग फिगर्स यूज़ हो रहे हैं, मॉडल्स जो यूज़ हो रहे हैं, इनके बारे में अगर आप कुछ बता पाए कि ये कैसे बनते हैं, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और हम इन पे कितना निर्भर रह सकते हैं ऐसे लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस के लिए? देखिए, आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि ये मॉडलिंग जो करते हैं, एपिडेमिक मॉडलिंग, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप एग्जैक्टली बता सके कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कितने केसेस होंगे और कितने डेथ्स होंगे। कोई भी ये वर्ल्ड ओवर जो मॉडलिंग करते हैं, दे आर नॉट प्रेडिक्टिंग। द पर्पस ऑफ द मॉडल इज नॉट टू प्रेडिक्ट एन एग्जैक्ट नंबर। द पर्पस ऑफ द मॉडलिंग इज टू say that at the beginning of the epidemic, these epidemics tend to grow exponentially. Then what should be the public policy response to that exponential growth, right? So you can use the model to some extent in the short term to predict ki how many hospital beds you need, how many ventilators you need, how much testing you need to do. That is the purpose of the model. No self-respecting epidemiologist will say that I can tell you exactly 1 महीने बाद कितने डेथ्स होंगे या कितने इन्फेक्टेड केसेस होंगे। एंड सी द अगर इफ द मॉडल्स आर सो रिलायबल, देन आपके नीति आयोग के
members, they were predicting on April 23rd that by May 16th, cases will become zero. Right now, instead of becoming zero, the cases are now every day we are doing an all-time record. Right, so clearly their models don't work. But the it's a different thing from saying that the models don't work. The models are not meant to predict. So see, these models typically are variations of what are called SIR or SEIR models. So these models are raw simplifications from exactly how epidemics spread. And the models, for example, assume the entire population is homogeneous. They assume a fully connected population. So the probability of me infecting somebody who's sitting next to me in my home or in my office is the same as me infecting somebody who is sitting in a faraway city, right? So these models don't model the complexity of human interaction. So to then take what the model predicts and make future predictions is a meaningless exercise. And it's only used for propaganda purposes, saying that and that you can save a lot of lives. You have saved a lot of lives, right? The other thing which Yogeshji was already saying is that to assume that once an epidemic starts, that no action will be taken, right? Even if you were to take the model numbers at face value, see, even if the government was not going to take any action, humans change their behavior when epidemics happen, right? So if people are dying around you, you will normally not go do things which you would, like you would not go and go to a restaurant. You would hesitate in meeting outside people. Those are normal human tendencies, right? So say that even those would not happen is really ridiculous. और डॉक्टर योगेश, अगर हम नीति आयोग की स्टेटमेंट की बात करें तो डॉक्टर वी के पॉल जो है नीति आयोग से, उन्होंने कहा कि जो पर्पस था लॉकडाउन का वो अचीव हो गया है, और क्योंकि लॉकडाउन में तो नहीं रह सकते हम पूरे टाइम, तो अब एक बैलेंस बनाने का समय आ गया है. पर अगर हम अभी देखें तो कई रिस्ट्रिक्शंस हम हट रहे हैं, और क्या आपको क्या लगता है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हट रही है, क्या हम इसके लिए तैयार है? क्योंकि जो फाइनेंशियल पैकेज है उससे तो बेनिफिट्स नहीं मिले लोगों को, हमने देखने को ये मिला. तो रिस्ट्रिक्शंस हटाने की तो ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि लोगों को अपना लाइवलीहुड चलाना है, पर क्या हमारे पास इतने सेफगार्ड्स, इतनी सेफ्टी है कि हम ये रिस्ट्रिक्शंस हटा के अब इकोनॉमी चलाने की बात कर सकते हैं और इन्फेक्शंस पे भी कंट्रोल रख सकते हैं? तो इसमें हमको शायद ये मानना पड़ेगा कि जो लॉकडाउन था वो एक सोशल डिस्टेंसिंग का एक तरीका था, जिससे लोगों के बीच में जो संपर्क है, जो कम्युनिकेशन और कांटेक्ट है, वो हम कम कर पा रहे थे. इसमें मैं तो शुरू से कहता क्या मुझे विश्वास था कि इस किस्म का लॉकडाउन बिना सोचे हुए और बिना इसके इसको ठीक से करे हुए भी लगाया गया. और जब ऐसा लगा कि आप इस लॉकडाउन को और अन्य मानवीय कारणों से इसको चालू नहीं रख सकते, तब इसको अब हटाने की बात करी जा रही है. तो और इसीलिए ये जो एक्सरसाइज हुई कि इसको डिफेंड करने की, इसकी वैल्यू को प्रमोट करने की, वो ऐसी बैठक में अभी पिछले हफ्ते ली गई. हाँ, अगर अभी हम कहें कि हमको लॉकडाउन हटाना है, जो कि हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, हमको अभी भी कुछ हद तक जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो अलग अलग तरीके हैं, जिसमें लोगों के बीच में ऐसी जगह जहाँ पर ज्यादा संपर्क होता है, खासतौर पे इंडोर वाले जो कॉन्टेक्ट हैं, उनको हमको कम करने की अभी भी प्रयास करना चाहिए. और उस लॉकडाउन के लिए जो जानकारी, उस किस्म के व्यवस्थाओं के लिए जो जानकारी हमें निरंतर कम से कम जिला स्तर पर या उससे भी छोटे ब्लॉक लेवल पर जानकारी के आधार पर हमको ग्रैनुलर एक ज्यादा फोकस्ड सोशल डिस्टेंसिंग के तरीके अपनाने चाहिए, बजाय कि पूरे हिंदुस्तान में एक किस्म की लॉकडाउन की हम व्यवस्था करते. और यदि ये तो हमको मान के चलना ही पड़ेगा कि अगर हमारी व्यवस्थाएं जो इस बीमारी से निपटने के लिए कुछ हद तक बन गई हैं, उसको अगर जहां जहां पर वो पूरी हुई लगती हैं, वहां पर हम इस बीमारी से सामना करने के लिए
तैयार होते हुए हमको अपने बाकी जीवन को चलाते रहने के लिए जरूरी है। साथ में हमको बहुत जरूरी था कि हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं, इससे सिर्फ हमको सिर्फ कोविड से होने वाले नुकसान के लिए ही तैयार नहीं होना था, लेकिन बाकी बीमारियों से वो तैयारी अगर पूरी है तो हमको लॉकडाउन बिल्कुल खोलना चाहिए। और बाकी जो तरीके हैं हमारे कि हमारे हमारे संस्कार में ये आए कि हम लोगों से कैसे दूरी बना पाए, मास्क का उपयोग, और साथ में जहां पर भी हम छू रहे हैं वहां पर हम उसके बाद हाथ साबुन से हाथ धो पाए और या वो व्यवस्था बना पाए, तो लॉकडाउन हमको अब हटाने की पूरी जरूरत है। और इसमें सारे बाकी ध्यान करते हुए रीजनल एंड ग्रैनुलर लॉकडाउन की व्यवस्था बनाते हुए हमको अब खोलना ही चाहिए। पर आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसे स्टेप्स अच्छे से लिए जा रहे हैं कि हम सेफ तरीके से लॉकडाउन खोल पाए अभी, जो क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस तो हट ही रही हैं, फ्लाइट्स आज दिल्ली में रिज्यूम हो गए, ट्रेनें चल रही हैं, तो इधर क्या अरेंजमेंट्स आपको बपादा आपको दिख रहे हैं कि ये लॉकडाउन जो है वो एक सेफ तरीके से हट रहा है? जो जो योगेश जी भी बोल रहे थे कि the purpose of the lockdown was to do, I think in my opinion, the purpose of the lockdown was to do two things: build up your hospital infrastructure, your healthcare system response, so that when the cases come, you're able to handle it. And second is that use the lockdown to do extensive testing and quarantine, which have worked in other countries. Like in China and South Korea, in countries we have successfully tackled the epidemic, they used the period of the lockdown to do this. In our case, we have seen that the cases have continued to go up in spite of the lockdown, right? So the government ka jo assumption tha that the lockdown by itself will reduce the epidemic, that has clearly failed. So the way the government went into the lockdown without any planning, that has failed. And I think the way the government is coming out of the lockdown, again without any planning, it's not very encouraging, right? So the government doesn't seem to have a coherent plan at this point in time, like according to me, to how to tackle this, right? Now, clearly the lockdown has caused huge hardships to the people, which is again because of the government didn't plan for alleviating that hardship amongst the people, right? And the economy has taken a huge hit. So now we have no choice but to remove the lockdown. But have they taken the necessary steps that once the lockdown is removed, clearly interaction between people is going to increase. Now, which will increase the chances of the epidemic spreading. So what do you do in that situation? Do you have the infrastructure to do intensive testing and contract tracing? Remains to be seen. They couldn't do it with the lockdown. Without the lockdown, whether they would be able to do it or not, we will find out. तो ऐसे टाइम पे जो ये मॉडलिंग फिगर्स, मॉडलिंग एक्सरसाइजेस है, इनका क्या सही इस्तेमाल किया जा सकता है लॉकडाउन खोलने के प्रिपरेशन में? So I don't know. मतलब the purpose of the modeling was to have build up the healthcare response capacity, right? I think you guys will be better able to answer whether that capacity has been built up or not. Looking from the numbers, it doesn't appear to be the case. मैं ये कहना चाहूंगा कि मॉडलिंग वॉज नॉट द थिंग दैट उसकी जानकारी से हमको कैसे लॉकडाउन हटाना है, ये तो उम्मीद करना भी उचित नहीं था। इसके और तरीके थे लॉकडाउन को कैसे खोलना है, जिसके लिए सर्वेलेंस जानकारी कि बीमारी कितनी, कौन से जिले में कितना है, कैसे फैल रही है, क्या उसका डबलिंग टाइम है, वो जानकारी को पूरे देश के स्तर पे ना करके अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल को एक यूनिट बनाते जिससे हम सर्वेलेंस की जानकारी से हम ये तय कर पाते कि कौन से जिले को में किस किस्म की ढील लोगों में संपर्क की हम अनुमति दे सकते हैं, कहाँ पर हमको थोड़ा अभी और समय तक कुछ लोगों के बीच में संपर्क को अभी भी कम रखना है, ऐसे फैसले हमको करने होते। ICMR के माध्यम से ऐसे सर्वेलेंस प्लान चल रहे हैं
लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे जो फैसले लेने वाले लोग हैं वो इन जानकारियों को भी, क्योंकि सर्वेलेंस की जानकारी बन रही है राज्य और जिला स्तर पे, उसको सुनते ही नहीं है और उसको अपने अपने कैलकुलस में रखा ही नहीं उन्होंने अपने फैसले लेने में। बहुत सारी जो अभी घोषणाएं भी हुई हैं वो जानकारी के आधार पर न होके किसी और कारणवश ली गई हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो शुक्रिया डॉक्टर योगेश और बापा आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।